और आगे बढ़ते हैं। 3 जून को कानपुर में हिंसा के मामले में सजा काट चुके मुख्तार बाबा के प्रतिष्ठान पर जिला प्रशासन ने छापेमारी की कार्रवाई की है। शत्रु संपत्ति प्रभारी एसीएम द्वितीय की अगुवाई में छापेमारी कर प्रतिष्ठान को सील किया गया। उन्होंने बताया कि 4 जनवरी 2023 को सहायक अभिरक्षक शत्रु संपत्ति ने इसको शत्रु संपत्ति घोषित की थी, जिसके क्रम में डीएम को पत्र और मुख्तार बाबा को नोटिस भेजा गया था। इसको अपने कब्जे में लेकर नगर निगम के अभिलेखों में इसको दर्ज कराया जाएगा। मुख्तार अहमद के वकील ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे पास इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्टे है, जिसकी जानकारी सभी अधिकारियों को है। अगर ये हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हैं तो इन पर आपराधिक मुकदमे चलेंगे। जो है इसे कस्टोडियन शत्रु संपत्ति ने शत्रु संपत्ति घोषित किया है तथा डीएम सर को यह आदेश किया है कि नगर निगम के रिकॉर्ड में इसको दर्ज करिए और इस पर कब्जा प्राप्त करके हमको अवगत कराइए। इसी आदेश के क्रम में हम लोग यहाँ आए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।